नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। इसलिए किए बेटा बैठा कि हम लोग के घर द्वार तोड़ रहा है ईसीएल, तो हम लोग कहाँ जाए। हम लोग 50-60 साल से यहाँ पर है, हम लोग बाबा दादा के राज से यहाँ पर है, बच्चा लोग है, पढ़ाई लिखाई सब कुछ हम लोग को बेरत हो जाएगा। हम लोग कहाँ जाएं? इसको सावधान करेगा, कॉलोनी देगा तभी ना हम लोग जाएंगे। पानी बूंद में कहाँ जाएंगे बच्चा लेके? अभी जब तक नहीं देगा कुछ, जब तक हम लोग घर खाली नहीं करेंगे। मतलब आप लोग का डिमांड क्या है अभी? वही कि हम लोग के जगह देगा, घर देगा तभी ना घर खाली करेंगे। अभी कहाँ जाएं बच्चा लड़का लेके? कितना दिन का मतलब नोटिस आया आप लोग के पास? आज 7 रोज हो गया नोटिस, अगला शनिचर के आया था। हमें बेघर कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? शायद दशकों से हम लोग यहाँ रहते आए हैं, सैकड़ों परिवार यहाँ बस चुके हैं। अब अचानक से आप हमें हटाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यह दर्द है चीना कोड़ी 3 नंबर कोलेरी क्षेत्र के रहने वाले निवासियों का। बताया जाता है कि पिछले शनिवार को उन्हें घर खाली करने का नोटिस दिया गया था ईसीएल प्रबंधन द्वारा, और कहा गया था कि एक सप्ताह के अंदर आप लोग अन्यत्र चले जाएं अपने घर को छोड़कर, जिस पर वहां के सैकड़ों निवासियों का दर्द छलक पड़ा। आज एक सप्ताह बाद वहां के महिला पुरुष धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि घर के बदले हमें घर चाहिए, आप बेशक अपनी जगह पे हमें ना रहने दें और उस जगह का अपने काम में व्यवहार करें, किंतु हमारे बाप दादा के टाइम से हम लोग इधर बसे हुए हैं, तो हम लोगों को अचानक से हटा दीजिएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए हमारे लिए कोई व्यवस्था कीजिए, एक कॉलोनी दीजिए जहाँ पे हम रह सकें अपने परिवार के साथ, क्योंकि यहाँ वर्षों से हम लोग रहते आए हैं। यहाँ पे हमारे बच्चों के स्कूल कॉलेजेस हैं, वो पढ़ाई है, वो सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा। आंदोलनकारियों ने कहा कि जब तक हमें घर के बदले घर नहीं मिलता, तब तक हम लोग अपने मकान को खाली नहीं करेंगे। इसके लिए हमें भूख हड़ताल भी करना पड़ा, तो हम करेंगे। उन्होंने मैनेजमेंट ईसीएल से आग्रह किया कि हमारे अन्यत्र रहने की व्यवस्था की जाए, ताकि हम अपने परिवार के साथ आराम से रह सकें। कहाँ जाएंगे अभी? हम लोग के भविष्य में क्या होगा? अभी हम लोग सब चीज़ का कागज बनाए हैं, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, सिविल कास्ट है, सब चीज़ का हम लोग यहाँ पर किए हैं। तो अभी हम लोग का फिलहाल जब घर तोड़ेगा तो हम लोग तो घर से बेघर हो जाएंगे। तो हम लोग के लिए कि हम लोग का यही है कि हम लोग घर के बदले घर दीजिएगा, और अभी क्वार्टर भी नहीं, हम लोग का कॉलोनी दीजिए कि जो भी जगह से हम लोग भगाए ना। हमें आज 30 बच्चों ए अंचले आज हठात घर भांगा नोटिस एस। আমিও চিনাকুড়িতে ইসিএলের জায়গায় বাড়ি বানিয়ে আছি। আজ রাস্তার পাশে ঘর ভাঙা নোটিস এসেছে, কাল আমারও আসতে পারে। আমার একটাই আবেদন, যেন আমাদের ঘর না ভাঙে, যদি ভাঙে তার বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে আমাদের ঘর দেওয়া হোক, কলোনি দেওয়া হোক, যাতে আমরা জল আলো নানারকম করে থাকতে পারি, আর সেখানে আমি শিক্ষকতা করতে পারি। আমার শিক্ষকতাই আমার পেশা। নমস্কার। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় দীপালি মন্ডল। এটা কিস লেকে আপ লোক? আজ কা বৈঠক কা মেইন মুদ্দা হম লোগ কা হ্যায় ঘর বচাও অভিযান চলা রহে হম লোগ। আজ হামারা চিনাকুড়ি 3 নম্বর ইনক্লেন কে পাস ইয়াহাঁ কা ম্যানেজমেন্ট নোটিশ দিয়া হ্যায় দিয়া রাখা হ্যায় নোটিশ কি আপকো 7 দিন কে অন্দর ঘর সাফ করনা হ্যায় হটানা হ্যায়। তো হম সবো কা জো ইতনা দেখ রহে হ্যায় ভিড়, ও সবো কা একই ডিমান্ড হ্যায় কি আজ সে পিছে যাইয়ে 70 সাল। तो हमारा पूर्वजों को उन्होंने बांध कर लाता था यहाँ काम कराने के लिए ईसीएल में। हमारे दादा इस खदान को खंदे हैं, हम सबों का दादा जब खदान खनते थे घर छोड़कर यहाँ से भागना चाहते तो भागने नहीं देता था। तो उसी दरमियान हमारा जहाँ भी घर द्वार था वहाँ से बेच उच कर हम लोग सब यहाँ आ गए।
हमारा पापा भी यहाँ पर काम किए, दादा के बाद पापा, पापा के बाद हम, अब हमारा बच्चा का क्या कहीं घर द्वार होगा? तो सबका जवाब यही होगा कि नहीं होगा। अभी मैनेजमेंट कह रहा है कि नहीं, आप अचानक यहाँ से घर अपना हटाइए और अन्यथा हम आपका घर तोड़ देंगे। हम मैनेजमेंट से जानना चाहेंगे कि मैनेजमेंट किस हालात से बोलते हैं। एक मीडिया के द्वारा हम लोग को सुनाते हैं कि ये घर डेली बनता है, डेली टूटता है। बताइए, कोई एक दिन में कोई घर बनता है क्या? मैनेजमेंट का आया हुआ मुश्किल से 2 महीना 4 महीना भी नहीं हुआ। हम लोग 70 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। हमारा पूर्वज वो कहते हैं ये 20 साल का है, ये 30 साल का है। ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट को कुछ समझ ही नहीं है। उनको एक ही समझ है कि हम लोग को जान से ज़्यादा प्यारा है, हमारा घर उनका ज़रूरत है। घर तोड़ दें तो उसको शायद खुशहाली मिले या अच्छा मिले। वो उसका एक उद्देश्य और भी है कि वो बिजली बचाने के उद्देश्य ये कर रहा है। अब देखिए, सरकार हमें खाने के लिए चावल और गेहूँ देता है, पीने के लिए फ्री का पानी देता है, लेकिन जहाँ पर बैठ कर खाएँगे उस जगह ये छीनता है मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट को बोलना चाहेंगे कि मैनेजमेंट साहब, यदि आपको ज़रूरत हमारा ज़मीन से, हमारा जान से ज़्यादा प्यारा उनको ज़मीन है, तो ज़मीन हम देने के तैयार हम सब, किंतु उससे पहले हमारा जो है कि एक ही मिशन है, हमारा घर जो है जिसमें पानी बिजली के साथ हमें कॉलोनी हो या इसके हमारा घर दे, जो लिखित पढ़ी के साथ, जो कि जिसमें पानी बिजली रहे, जब तक कुली रहे तब तक हम लोग को कम से कम बिजली पानी देने का वादा करें, तभी हम लोग घर खाली करेंगे, अन्यथा घर खाली नहीं करेंगे। अभी आप लोगों के बैठक में क्या बात हुई? हमारा बैठक में सब मिलकर यहाँ पर जितने भी हैं सभी लोग का एक ही मुद्दा था, एक ही बात था कि घर बचाना है, घर के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। और सारा इसियल में एक ही उद्देश्य है, सब जगह एक ही चीज़ हुआ है। जहाँ जहाँ घर का हटाया गया उसको घर पहले दिया गया, उसको कॉलोनी दिया गया, उसके बाद घर हटा। बहुत सारा जगह पर यदि उदाहरण लेना चाहते हैं तो झंझरा प्रोजेक्ट में जाइए आप, पंडेसर प्रोजेक्ट में जाइए आप, झारखंड में जाइए, उन लोग जितना भी था कॉलोनी, उन लोग जो भी था वो इस चल के जगह में, उन सबको कॉलोनी दिया गया, तब जाकर घर खाली किया गया। किंतु यहाँ का मैनेजमेंट लगता है जैसे कि रूढ़वादी है, इनको कुछ समझ ही नहीं है। वो चाहता है कि बस हम बोल दिए, सब हट गया, चल गया। अरे भाई, कहाँ जाएँ? दमोदर नदी में जाकर कूद जाएँ क्या? ना इस चल से छोड़ के हम किसी दूसरे का घर में चल जाएँ, मैनेजर के घर में चल जाएँ हम लोग? आगे जाएँ तो कहाँ जाएँ? देखिए, हम लोग तो यही चाहेंगे कि पहले उस सीधा साधा से हम लोग को हेल्प करे, कोऑपरेट करे, और अन्यथा जब तक होगा हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और भी क्या लड़ाई, हम लोग चाहेंगे सिर्फ हमारा घर मिले। उसके बावजूद यदि नहीं मानते हैं तो उन लोग का सामने ऑफिस में हम लोग आएंगे, वहीं पर रहेंगे, उसी उन्हीं का घर में रहेंगे। उन ऑफिस का पूरा प्रांगण जो है, हम लोग लेडीज जेंट्स मिलकर वहीं बैठ कर रहेंगे और खाएंगे और पिएंगे। आपका परिचय? हमारा परिचय राजकुमार प्रसाद है, हम चिनाकुरी में रहते हैं। आज जब मेरा जन्म भी यहीं हुआ और हमारा पापा भी